that kind of the profession that I am doing about the wheel balancing, I will also continue that field in future also. Sometimes do you feel some kind of the repent while doing such a profession, while doing such a work? Sometimes I think about that this profession not suited to me according to my personality. But when I think that this profession gave me a support, so I can't leave that profession. पायनियर वर्ल्ड न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली अमजद चौधरी हाजिर खिदमत है और आप देख रहे हैं पायनियर वर्ल्ड न्यूज़। इस वक्त मेरे साथ मलिक मोहम्मद बिलाल मौजूद हैं। इस नौजवान ने 2012 में एमए इंग्लिश किया, 2013 में इन्होंने एमएड किया। इसके बाद इन्होंने मुलाजमत के लिए भरपूर कोशिश की लेकिन इन्हें मुलाजमत नहीं मिली। इसके बाद इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट व्हील मास्टर के नाम से एक अपना छोटी सी शॉप बना ली। इस वक्त ये वहाँ व्हील सही करते हैं, ये पंचर लगाते हैं, ये इंग्लिश भी शानदार बोलते हैं, ये खूब रवानी से इंग्लिश भी बोलते हैं लेकिन साथ ये पंचर लगा रहे होते हैं, उसके साथ इंग्लिश भी सुना रहे होते हैं। मलिक बिलाल से जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसी कौन सी जरूरत पेश आ गई कि एक पोस्ट ग्रेजुएट जो इंग्लिश भी फर बोलता है, इसने एमए किया हुआ है, जिसने एमएड किया हुआ है, वो पंचर लगाने पे, व्हील से ही करने पे इस वक्त मजबूर हुआ। तो मलिक बिलाल से ही सवाल जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक बिलाल। वालेकुम सलाम। मलिक बिलाल, ऐसी कौन सी वजह आपको आ गई, आपने 2012 के अंदर मास्टर किया, 2013 में आपने एमएड किया, उसके बाद आप ये व्हील मास्टर, उसके साथ आप पंचर लगाने पे मजबूर हो गए, ऐसी कौन सी वजह आ गई थी? इसके पीछे एक मतलब कह सकते हैं कि ट्रेजिक स्टोरी है। वो इस तरह के 2013 में जैसे मेरा मास्टर और एमएड कम्प्लीट हुआ, उसके बाद मैंने मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में छोटे लेवल पर मतलब जॉब्स करता रहा हूँ। और 2018 में मेरे साथ एक हादसा पेश आया था जिसकी वजह से मेरी जो दाएं टांग थी वो फ्रैक्चर हो गई थी, अब उसमें रॉड डला हुआ। 2018 में आपके साथ हादसा हुआ, उससे पहले भी आपके पास 5 साल कर्जा था, तो 5 साल में आपको जॉब नहीं मिली? उसमें प्राइवेट जॉब तो करता हूँ लेकिन के यूँ कह सकते हैं कि गवर्नमेंट जॉब का कोई सिलसिला इस तरह नहीं बना, क्योंकि पाकिस्तान के हालात आपके सामने, हमने मतलब कि ट्राई तो काफ़ी की लेकिन मतलब यूँ कह सकते हैं कि नसीब में नहीं थी, जिसकी वजह से मतलब जॉब नहीं मिली। आपने सरकारी मुलाजमत के हवाले से कोशिश की थी? जी, बहुत ज़्यादा ट्राई किया था, काफ़ी जगह पे मतलब टेस्ट भी क्लियर हो जाते थे, इंटरव्यू भी क्लियर हो जाते थे, उसके बाद जो फाइनल लिस्ट लगती थी मतलब फिर इंतज़ार में ही रहते। रद्द अमल उस वक्त क्या था कि जब आप मुलाजमत के लिए जाते हैं, आप मुलाजमत के लिए कोशिश करते, उस वक्त लोगों का रद्द अमल क्या होता था? उनका रद्द अमल ये एक्सीडेंट से पहले तो रद्द अमल उनका होता था कि आप कह सकते हैं कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, टेस्ट भी क्लियर कर लेते थे, इंटरव्यू भी क्लियर कर लेते थे, उसके बाद जब फाइनल लिस्ट का इंतजार करते थे तो पता चलता था कि हमारी जगह किसी और की हायरिंग हो चुकी। आपके जहन के अंदर ये कैसे आया कि आपको ये व्हील मास्टर बनना है, फिर आपको पंचर लगाने, ये आपको कैसे आपके जहन के अंदर आया? ये एक टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं कि एक बात मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि एजुकेशन जो है ना आपको शऊर देती है, और ये कह सकते हैं कि मेरी इनर कैपेबिलिटी थी जो कि एक्सीडेंट के बाद मेरे मतलब कि यूँ कह सकते हैं कि सामने आई, जिसकी वजह से मैं इस फील्ड में आया। तो जब आपने पंचर लगाने शुरू किए, उस वक्त आपके एहसास क्या थे? एक बंदा जिसने मास्टर किया हुआ है, एमएड किया हुआ है, फिर उसके बाद वो आके और व्हील मास्टर बनता है, फिर ये लिखवाता है पोस्ट ग्रेजुएट व्हील मास्टर, तो उस वक्त आपके पहले दिन एहसास क्या थे जब आपने ये काम शुरू किया था? जाहिर बात है, इंसान है, इंसान के साथ मतलब कि अप्स एंड डाउन होते रहते हैं, मतलब ये एक ट्रेजेडी थी जिसको एक्सीडेंट की ट्रेजेडी कह सकते हैं, जिसकी वजह से लाइफ का जो टर्निंग पॉइंट था वो चेंज हुआ, मतलब वो एक अलहदा लाइफ थी, मतलब जिसमें आप सूटेड बूटेड होते हैं, ठीक है, आप मतलब एक वेल ड्रेस्ड रहते हैं, और ये एक अलहदा फील्ड है जिसमें आपका हाथ जो मैले कुचैले, ठीक है, आपने हर कस्टमर को डील करना है, हर मीन्स कह सकते हैं कि ये एक डिफरेंट फील्ड है उस फील्ड से, लेकिन वो जगह वो एक अपनी जगह अपने लिहाज से एक सही फील्ड थी और ये एक अपने लिहाज से सही फील्ड है। वो अब बात आती है कि उस फील्ड से इस फील्ड में फ़र्क,
मतलब कि क्या फील आपने किया वो ये मैं बताता चलूँ कि ज़ाहिर बात है इंसान है कि इंसान को थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि इंसान का जो अंदर है वो थोड़ा इस लिहाज से डिस्टर्ब भी होता है, क्योंकि वो एक अलहदा फील्ड थी, ये एक अलहदा फील्ड है, इसमें भी खुश हूँ। फिर आपने जब लिखवाया कि पोस्ट ग्रेजुएट व्हील मास्टर, तो लोग तो आता आपके पास आते होंगे, पोस्ट ग्रेजुएट है, व्हील मास्टर है, तो बातें तो बहुत सारी सुनने को मिलती होंगी ना? जी बिल्कुल, इस लिहाज से मतलब कि बहस से तकरीबन कह सकते हैं कि बहस मुबाहसा होता था कि ये एक वो जब पढ़ते थे ना पोस्ट ग्रेजुएट व्हील मास्टर, तो मुझसे सवाल करते थे कि क्या ये आप वाकई आपका ही लिखा हुआ है। मैं कहता था कि जी हाँ मेरा लिखा हुआ है। तो उसके बाद फिर आगे नेगोशिएशन होती थी जिसमें वो पूछते थे, जिसकी वजह से मैं उन्हें ब्रीफ करता था कि ये सूरत हाल थी जिस वजह से ये मेरा टर्निंग पॉइंट चेंज हुआ, और ये जो काम है व्हील बैलेंसिंग का ये भी मैंने सोशल मीडिया से ही सीखा है, इसका मेरा कोई प्रॉपर उस्ताद नहीं है। मेरा जो उस्ताद है वो सोशल मीडिया है, यूट्यूब मेरा सबसे बड़ा उस्ताद है। Mr. Bilal, in upcoming future, I will continue. Are you such a profession? I will change your profession. In future, I will continue my profession of wheel balancing also. And nowadays, I am learning about the freelancing and according to my point of view, nowadays digital marketing and digital media is going ups and up. So I think that. That kind of the profession that I am doing about the wheel balancing, I will also continue that field in future also. Sometimes do you feel some kind of the repent while doing such a profession, while doing such a work? Sometimes I think about that this profession not suited to me according to my personality. But when I think that this profession gave me a support, so I can't leave that profession. गुफ्तगू आपने सुनी मलिक मोहम्मद बिलाल की मुल्तान की शाहराहों पे। इस वक्त पेंचर शॉप जो इनकी है, इनकी व्हील बैलेंसिंग की जो शॉप है, इसे पोस्ट ग्रेजुएट व्हील बैलेंसिंग शॉप कहा जाता है, उस पर काम करने वाले मलिक बिलाल जो मास्टर डिग्री होल्डर हैं इंग्लिश के, इन्होंने एमएड किया है, लेकिन इस वक्त ये काम कर रहे हैं इंग्लिश भी ये रवानी के साथ बोलते हैं। पूरे मुआशरे के लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि जब इस तरह के तालीम याफ्ता लोग आपकी शाहराहों पे पंक्चर लगाने लग जाएंगे, व्हील बैलेंसिंग का काम कर जाएंगे, तालीम की अहमियत किस हद तक रह जाएगी, बड़ा सवालिया निशान है, और इस सवालिया निशान को ख़त्म करने की ज़रूरत है।